सर सामने सर रेडी रहते हैं चेक हो गया उनको कहा था टाइम नहीं है क्योंकि शोज करते रहते हैं हम लोग टाइम वैसे सच में नहीं होता है तो मनोज जी बहुत अच्छी बढ़िया स्क्रिप्ट लिखते हैं मनोज जी को काफी टाइम से जानता हूं एक और हमारी फिल्म अभी ऑलमोस्ट क्या अभी दो तीन दिन बाद हमारी शूटिंग है दो तीन दिन में हमारी एक फिल्म कंप्लीट हो जाएगी जिसका नाम है झुंझुना जो टाइटल ये बदलने वाले हैं बहुत जल्द क्योंकि हमें पसंद नहीं है तो उसके बाद ये फिल्म लेकर आए सब्जेक्ट बहुत ही माइंड ब्लोइंग है सिचुएशनल कॉमेडी है एक घर में किसी की डेथ हो जाती है और वहाँ से लेकर चौथे से तेरहवीं तक की पूरी कहानी है कि उस घर में तेरह दिन में क्या क्या होता है तो सिचुएशनल कॉमेडी का एक अलग ही मज़ा होता है या तो पंचेज वाली कॉमेडी होती है जो हम लोग स्टेज पर करते हैं और अपने शोज़ में करते हैं या फिल्मों रोहित सर की जैसी फिल्में होती है जैसे बोल बच्चन की थी मैंने तो उसमें वो डायलॉग वाली कॉमेडी का अलग मज़ा होता है और सिचुएशनल कॉमेडी का अलग मज़ा होता है तो बहुत बढ़िया कहानी है और बहुत अच्छे कैरेक्टर्स हैं सब लोग घर के अंदर आलोक नाथ जी हैं राजपाल जी हैं शक्ति जी सब ताऊ मामा ये लोग और ये लोग कैसे संभालते हैं उस सिचुएशन को तो उसके ऊपर है पूरी कितना चैलेंजिंग रहा है मतलब बहुत किसी का देहांत हो गया और उसमें 13 दिन का कॉमेडी चेक कर रहा है हाँ सबसे अच्छी बात है वो एक डार्क ह्यूमर होता है ना तो वो डार्क ह्यूमर इसके अंदर आएगा जो हमने कभी पहले कभी किया नहीं है इस तरीके से और मेरे ख्याल से इस तरीके की कोई डार्क ह्यूमर वाली कोई फिल्म भी नहीं आई है तो इट्स अ नाइस थोड़े दिनों की कहानी चैलेंज तो देखिए हर छोटा भी आप काम करते हैं छोटा एल्बम भी करते हैं तो अब मेजर आपके लिए चैलेंज हो जाता है तो फिल्म का अब मेजर चैलेंज इनके लिए है क्योंकि सिचुएशनल कॉमेडी है और इनको उस हिसाब से सिचुएशंस लिखनी है तो जितना अच्छा ये लिखेंगे उतना ही अच्छा हम लोग रिएक्ट करेंगे परफॉर्म करेंगे तो अब मेजर चैलेंज हमारे डायरेक्टर साहब के लिए अब कोई मर गया है और उस तरह की डार्क स्टोरी है और उसमें लव इंटरेस्ट भी चल रहे हैं लव इंटरेस्ट देखिए क्या होता है कि जब इस तरीके का कुछ प्रॉब्लम हो जाती है घर के अंदर तो कुछ आध फैमिलीज ऐसी होती हैं जो ऐसे ऐसे कैरेक्टर जो भरे हुए हैं इन्होंने बहुत होती हैं एक्चुअली रियल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं मतलब इंतज़ार आदमी किसी और का कर रहा होता है कि ये बंदा मरने वाला है क्योंकि सबसे ज़्यादा वही बीमार होता है घर में और कोई धक्का लगता है और वो तो बच जाता है दूसरा आदमी मर जाता है एक्चुअली दूसरा ही एक बंदा मर जाता है घर के अंदर तो उसके बाद क्या क्या होता है तो उसके ऊपर है पूरा यूबी का तो मतलब जब कोई घर में देहांत हो गया 13 दिन की पूरी प्रोसेस चल रही है तो कंधा देने के लिए आप मौजूद हैं तक यही मैं बोल रही हूँ मतलब इतनी मजेदार कहानी होने वाली है ये फिल्म होने वाली है तो आप देखना कंधे कहाँ कहाँ किस किस को दिए जाएंगे यूबी का कितना आपके लिए कितना चैलेंज रहेगा कृष्णा यू नो डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन यू नो यहां पे भी आप स्क्रीन पे रहते हैं तो हम मौजूद की दर्ज कराते हैं पीपल स्टिल लव हिम फ्रॉम बोल बच्चन व्हाट यू हैव डन यू नो तो आपके लिए कितना चैलेंज था उनसे कॉप अप कर पाना कि भाई उनके लेवल तक टाइमिंग रिएक्शन यू नो ऑन द स्पॉट इट्स एक तो तैयारी कर रही है इनका फैमिली ब्लड इतना स्ट्रॉन्ग है एक्टिंग में कि ये खड़े भी जाते हैं तो सब जगह यू नो एवरीथिंग अच्छी बात है कि मामा के साथ भी काम किया नॉट येट 40 की थी इन्होंने या सो ब्लड में एक्टिंग है ब्लड में आर्ट है सो आई थिंक आई एम रियली एक्साइटेड मैंने ऑलरेडी गोविंदा जी के साथ काम किया है नाउ विद हिम इट्स गोना बी सुपर सुपर एक्सपीरियंस आई एम श्योर ओके अनदर क्वेश्चन आई डोंट थिंक यू लाइक इट डू यू एग्री विद दिस यू नो बीइंग अ कृष्णा बीइंग इन द फ्रेम एंड प्लेइंग द लीड इन द फिल्म यू माइट गेट ओवरशैडो बाय कृष्णा No, nothing. I think you should be so satisfied with yourself. अगर आप अपने आप से इतना insecure हैं तो life में कभी भी satisfied नहीं हो सकते. You have to be within confident for that. And I always enjoy. Life is all about learning. You have to enjoy every moment. I think I'm gonna learn a lot from him. And he's such a nice human being. I know him since so many years. और युविका मेरी बहुत पुरानी दोस्त हैं. जब ये बॉम्बे में नई आई थी तब से मैं इनको जानता हूँ. तो लेकिन डेफिनेटली इट्स गोना बी फन और लेकिन हमारा पहले भी प्रोजेक्ट बन रहे थे कि हम लोग साथ में काम करें लेकिन फिर मैडम ने हमारे बॉस के साथ काम कर लिया चीची मामा के साथ तो फिर अभी हमें मौका मिला साथ में काम करने का ओके कुछ गाना भी गाने जा रहे हैं आप चौथा गाना जैसे था कि आप गाना गाएंगे नहीं नहीं ये अभी इनका डिसीजन हुआ है ऐसा कुछ कोई प्लान नहीं है मेरी एक फिल्म अभी लॉन्च हुई है दो तीन दिन पहले शायद आप लोग पता नहीं होगा कि नहीं एक पंजाबी गाना मैंने गाया उसमें तो मुझे कोई सिंगिंग एज अ प्रोफेशन नहीं लेना है
और फिर ऐसा कभी कभी ज़्यादातर आर्टिस्टों के साथ ऐसा होता है, आपने नोटिस किया होगा, मीडिया सबसे ज़्यादा नोटिस करती है कि जैसे एक शो ख़त्म होता है, फिल्म ख़त्म, एक गैप आता है बीच में 2-4 महीने का, जब एक्टर कुछ कर नहीं रहा होता, तो उस गैप में सब सिंगर बन जाते हैं, है ना। ये आपने नोटिस किया होगा कि वो बंदा अपना गाना लेकर आ रहा है ना, मैं अपना एक सिंगल लेकर आ रहा हूँ और अपना ये, तो मेरा ऐसा कोई शौक नहीं है, मुझे सिंगिंग को कोई प्रोफेशन नहीं बनाना, और मैं ऐसा ऐसा नहीं है कि महफिल में बैठ के कोई गाता हूँ। आपने कभी मुझे शो पे नहीं देखा होगा, मेरे साथ सुदेश जी गाते हैं, कपिल गाता था अपने कॉमेडी नाइट्स में, मैं कभी गाने वाने नहीं गाए। तो एक गाना जो मैंने गाया वो तो मैं भी सरप्राइज हो गया कि यार आजकल ट्यूनिंग बहुत अच्छी होती है। तो थोड़े बहुत ब्लड में है, क्योंकि मेरी नानी, मेरी मदर सब गाते थे, गोविंदा जी की मदर निर्मला देवी जी, वो ठुमरी सिंगर, लच्छू महाराज जी मेरे नाना जी हैं, तो पूरा एक वो ब्लड के अंदर तो था। तो थोड़ा इन्होंने बुलाया, ट्राई कर लो एक बार, गा दो, तो गा दिया। अब ये म्यूज़िक डायरेक्टर साहब अभी मिले मुझे, मैंने उनको गाना सुनाया, मतलब सर कैसा है, बोलते हैं अरे यार हमारा चौथा गाना तुम ही गाएगा। हाँ सर, ओके, थैंक यू सो मच। कॉमेडी की पूरी टीम आपका स्वागत करने के लिए पहुंची गाने के, जब जैसे गाना खत्म हुआ, भारती वगैरह क्या कहना चाहेंगे? अरे वो तो सब दोस्त है मेरे, मुझे बहुत अच्छा लगता है सब लोग, हमने इतने साल 10 साल एक इतना बढ़िया शो चलाया है और अभी तक सबको एंटरटेन कर रहे हैं। आई थिंक दिस इज़ वंडरफुल, एक डेकेड हो चुका है, 10 साल कोई छोटी चीज़ नहीं होती, हमने ऑडियंस को एंटरटेनमेंट दिया है सबको, तभी सभी लोग प्यार करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। और बहुत ही जल्दी अभी यस अभी नहीं, चलो ठीक है, डेकेड भी हम पुराना नहीं देख रहे, अभी नया एक शो लेकर आ रहे हैं भारती और मैं, अभी हमारी प्लानिंग चल रही है, सब लोग पूछते रहते हैं क्या हो रहा है, तो अभी जल्दी है आप लोगों के सामने, अब 15 दिन में शायद एक और ऐसा मुहूर्त होगा, तो फिर पता चलेगा कौन सा शो। कृष्णा, कहा जा रहा है कि वो शो में आपके साथ कपिल भी होंगे, मतलब तो कहाँ, कौन बोलता है सर, मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि कपिल भी जो है सूत्रों से जानकारी, जिस दिन कपिल बोलेगा ना तो तब मानना उस बात को। 3 अलग-अलग शो हो गए कृष्णा, यू नो, एक हाँ, एक अलग आ रहे हैं, कपिल का जो था अनफॉर्चुनेटली अभी नहीं है, और एक सुनील कर रहे हैं। जी जी जी, कंपटीशन टफ होता जा रहा है इन टर्म्स ऑफ, डेफिनेटली बहुत टफ है, क्योंकि सब कमाल के कलाकार हैं, कपिल तो बहुत ही, मैं तो मानता हूँ कि स्टैंड अप के मामले में वो नंबर 1 है इंडिया में, और मैं चाह रहा था कि उसकी तबीयत ठीक हो जाए और हम भी साथ में काम करें, तो ये जो अलग अलग चल रहा है, अगर एक साथ ही कोई बन जाए तो एक छोटी सी बाहुबली बन सकती है टेलीविज़न के ऊपर, तो फिर अगर कपिल भी आ जाए, मैं आ जाऊँ, भारती आ जाए साथ में, तो एक बहुत बढ़िया शो प्लान हो सकता है, तो आई तो वांट कि हम साथ में काम करें। लास्टली आप दोनों से एक चीज़ जानना चाहूँगा, जिस तरह का माहौल चल रहा है हमारे देश में, थोड़ा सा अलग सवाल है, आसिफा गैंगरेप के ऊपर, 8 साल की लड़की के ऊपर गैंगरेप किया गया, क्या रिएक्शन होगा आप दोनों का अगर कुछ? देखिए मैं जब इस तरीके की कोई न्यूज़ आती है, डेफिनेटली आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, और एक ना एक एंगर, एग्रेशन आ जाता है, गुस्सा आता है, तो इन सब चीज़ों का डिस्कशन होने से पहले ऐसे बंदों को पकड़ के ना पब्लिक को ही कुछ कर देना चाहिए, ऑन स्पॉट करना चाहिए, इसके डिस्कशन नहीं होने चाहिए, कोई इस तरीके के लोगों को इमीडिएटली अरेस्ट करिए, या फिर आप या पब्लिक में छोड़ दीजिए, पब्लिक तो सबसे अच्छा बताएगी, पुलिस वाले तो फिर भी बहुत अच्छा अंदर क्रियाक्रम करते हैं, तो मेरे ख्याल से पब्लिक में छोड़ दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा ऐसे लोगों को, तो पब्लिक और ज़्यादा घबराएगी कि पुलिस ने अभी कम से कम 1 लाख लोग आके पकड़ लेंगे, तो तब क्या होगा। सर, फिल्म के बारे में सबसे अच्छा डायरेक्टर मनोज शर्मा जी बता सकते हैं, मैं चाहता हूँ फिल्म के बारे में मनोज जी बताएं तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि फिल्म का टाइटल है टाइम नहीं है, कि तो दिन में हम लोग सब 5-6 बार तो बोलते ही हैं टाइम नहीं है, एक बड़ी अच्छी एक कॉमेडी फिल्म है, स्वीटी फिल्म है, मेरे प्रोड्यूसर मनीष जी हैं, उनका स्टोरी लाइन है, बाकी मैंने डेवलप किया है, लेकिन कहानी बहुत अच्छी है, जैसे कृष्णा और युविका ने बताया, एक कैरेक्टर बेस्ड ड्रामा है और बड़ी स्वीटली कॉमेडी और बड़ी सटायर और बड़ी मैसेज के साथ, तो ये कैरेक्टरों का सिनेमा है, बड़ा कॉमेडी फिल्म है। कृष्णा के साथ और एक फिल्म कर रहे हैं आप, तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है जब कृष्णा के साथ स्पेशली आप काम? कृष्णा मेरे 14-15 साल से बड़े अच्छे दोस्त हैं, और मेरी अभी फिल्म ख़त्म हुई है झुंझुना, जिसका लास्ट रोल कल परसों लगने वाला है, तो मेरे साथ बड़ा ब्रदरली और फ्रेंडली माहौल रहता है, तो फिल्म का एक अलग ही मज़ा आता है, मतलब मैं ये कहूँगा जैसे डेविड जी और चीची जोड़ी थी, शायद आने वाले टाइम में मैं मिनी डेविड डाउन नजर आऊँ और आप भाई चीची, तो ऐसे हमारी ट्यूनिंग वैसी है। कब से शुरू होने वाला है शूट और कहाँ कहाँ पर शूट? ये हम लोग अभी 29 अप्रैल से 15 मई तक कंटिन्यू हमने सेट लगाया है नायगांव में, एक बहुत बड़ा, वहाँ हम लोग काम कर रहे हैं, और नेक्स्ट जून में हम लोग उदयपुर जाएंगे, तो ये 2 शेड्यूल में हमारी पूरी फिल्म खत्म हो जाएगी, और इसमें कृष्णा है, युविका है, रजनीश दुग्गल है, और शक्ति कपूर, राजपाल, मतलब काफ़ी अच्छे कैरेक्टर्स हैं, और एक कैरेक्टर का सिनेमा रहेगा ये। देखिए ये टाइम नहीं है, एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है जो कहानी सुनाई, तो इसमें क्या एक ऐसा दिखाया गया परिवार में किसी की डेथ हो जाती है, लेकिन
किसी के लिए डेथ के लिए भी टाइम नहीं है उसके लिए, तो एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट। तो ऐसा एक अजीब वो लेके सिचुएशन थी, तो मैंने कहा क्या गाना बनाया जाए, लेकिन मनोज जी के संख्या शायद हमारी 15 फिल्में साथ में लगभग हो गई हैं, 15 फिल्में हो गई हैं, तो बड़ी जल्दी तो हमने फिर एक मुखड़ा बनाया। देखो लाइफ है ये रेस, रेस रेस रेस, नहीं इसमें है पेस, पेस पेस पेस, देखो लाइफ है ये रेस, नहीं इसमें है पेस, ताऊ जी सुने भजन, बेबी लाइक करे बेस, खुल के जीना तो कोई क्राइम नहीं है। अब सब लोग गाओ, टाइम नहीं है बाबा, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है बाबा, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है बाबा, टाइम नहीं है, ये टाइम नहीं है। ये गाना हम लोग, अमन त्रिखा भी आ रहे हैं, शायद आने वाले होंगे, दो चार मिनट में ट्रैफिक में होंगे, तो अमन त्रिखा इस गाने को गा रहे हैं, और दूसरा गाना यूवी गा रहे हैं, वो भी एक बहुत अच्छा गाना। और अभी पूरी टीम ने एक हमने कृष्णा जी से रिक्वेस्ट किया है कि वो अभी डिसाइड हुआ है कि फोर्थ सॉन्ग जो है हमारा एक बड़ा फन सॉन्ग है, वो कृष्णा जी गा रहे हैं इस पिक्चर में, तो ये भी एक न्यूज़ है बहुत अच्छी कि कृष्णा जी इस फिल्म में एक गाना गा रहे हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? हमने ये बहुत ही एक अच्छी स्टोरी लिखी है पूरे परिवार के लिए, जो आपको हंसते हंसते रुला देगी, और आज के ज़माने की स्टोरी है। आज जो आदमी की ज़िंदगी मशीन की तरह हो गई है, जब भी उसको पूछो तो रिंगटोन टाइम नहीं है, टाइम नहीं है बजता है, वो हिसाब से हमने पूरी कहानी लिखी है, और पूरे परिवार की कहानी है। इसमें कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं है कि आपको हंसने से मना कर सके, आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे, ऐसी हमने लिखी है कहानी। और जो गैप है नई जनरेशन और पुरानी जनरेशन के बीच में, उस गैप के बीच में पूरी पिक्चर हमने बनाई है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, एज अ कैप्टन ऑफ द शिप, कास्टिंग कितनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और इस फिल्म की कास्टिंग के लिए पर्टिकुलरली कितना मेहनत करना पड़ा आपको, क्या प्रिपरेशन करनी पड़ी? और देखिए, फिल्म के पूरी फिल्म ना कैरेक्टर बेस्ड सिनेमा है, और चूंकि प्लॉट इतना 5-6 दिन की फिल्म के प्लॉट के ड्यूरी हमारी फिल्म बनी है, उसकी कास्टिंग में मेरे प्रोड्यूसर्स ने मुझे आज़ादी दी कि मनोज जी आप अपने हिसाब से जो बेस्ट हो सकता है फिल्म बनाने के लिए वो कीजिए आप। तो इसलिए मैंने इसमें जो जो कैरेक्टर मेरे फर्स्ट ग्राफ्ट हो रहे हैं, पहले इसको चॉइस करूंगा, तो फर्स्ट चॉइस ही मुझे मिल गई, क्योंकि मेरे सबसे फ्रेंडली माहौल है, और प्रोड्यूसर्स ने मुझे फ्रीडम दी कि नहीं आप फर्स्ट जो आपका ऑप्शन है उस पर जाइए, और लकीली ऊपर वाला भी साथ है, तो वो सब चीज़ें मुझे मिलती गई, और आज इतनी अच्छी स्टार कास्ट के साथ हमारी फिल्म रेडी है और शूट पर हम जाने वाले हैं। अगर बताना चाहे आप इस गाने को, म्यूजिक कंपोजर साहब इधर खड़े हुए हैं साक्षात, आप इनसे पूछ लीजिए कि क्या ब्रीफ है, क्योंकि गाना तो मैंने अभी, मुझे पता है मनोज जी की फिल्म है, और मनोज जी के साथ मेरी ये तीसरी फिल्म है, और बहुत मज़ा आने वाला है रिकॉर्डिंग में, और जैसा एक एक्सपीरियंस होता है, एक अपना एक घर जैसा एक्सपीरियंस है, बहुत हमारे सब जो हैं वो पुराने मित्र हैं, और मुझे गाने का हमेशा ये समझते हैं कि चांस मिले, और मुझे मिलता है जब वो बुलाते हैं तो बहुत खुशी होती है। कोई भी गाना चुनने से पहले क्या खास चीज देखते हैं आप उस गाने में, या फिर प्रवीण भाई का फोन आता है तो वही खास चीज हो जाती है कि प्रवीण भारद्वाज कॉलिंग म्यूजिक, तो मैं बोलता हूँ चलो एक गाना आ गया, ठीक है, ये प्यार है सब सिंगर्स का। अब गाना कौन से कैसे टाइप का होता है, मैं इनसे, मेरी हमेशा पर्सनल यही होती है गुजारिश की भाई चलो यार, मैं अभी हुक्का बार गाया हुआ है, गोगो गोविंदा गाया हुआ है, बटरफ्लाई गाया हुआ है, प्रेम कुछ मतलब रोमांटिक भी कर दो, नहीं, बोल द टाइम नहीं है रोमांटिक। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहता है जब ये गाना शुरू हुआ मनोज जी के संग, हमने बैठ के प्लान किया, तो देखो सबसे बड़ी बात ये है कि गाना कोई बनता है और फिल्म का पहला गाना होता है तो भाई की याद आती है, ये स्पेशलिटी इनकी, मुहूर्त अमन के गाने से होगा, तो हम गाना गुनगुनाते हैं थोड़ा सा। देखो लाइफ है ये रेस, रेस रेस रेस, नहीं इसमें है पेस, पेस पेस पेस, ताऊ जी सुने भजन, बेबी लाइक करे बेस, हुल के जीना तो कोई गाय नहीं है, टाइम नहीं है बाबा, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। अभी चार चांद आधे घंटे बाद लग जाएंगे अब जब अमन जी माइक पे आएंगे, अभी तो मैं तो ऐसे ही गा रहा हूँ, नहीं बस बट ये है कि बस जितनी तमाम स्टार कास्ट भी बहुत ही जो है वो धासू सी है, और बहुत अच्छी बात ये है कि अब कॉम्बिनेशन क्या हो गया कि एक गाना अमन जी गा रहे हैं और दूसरा गाना कृष्णा जी गा रहे हैं इस पिक्चर में। अच्छा, कृष्णा जी, हाँ, कृष्णा जी खुद गा रहे हैं एक गाना, वो यहाँ बैठे बैठे उन्होंने इतने एनर्जेटिक और चार्ज हो गए गाने सुन के, नहीं अब कृष्णा भाई के साथ तो हम, मनोज जी की जो पहली फिल्म भी है अभी, वो मैं उस गाने का वेट कर रहा हूँ, दिल हो या तेरे पीछे पीछे पीछे, मैं वही अभी आ रहा था रस्ते में तो मेरे गुनगुना रहा था मैं दिमाग में कि यार ये गाने की भी मैं वेट कर रहा हूँ कि ये गाना जब आएगा तो कृष्णा भाई पे है पिक्चर, तो बहुत मजा आया, कृष्णा भाई तो वैसे ही जान डाल देते हैं अब गाने में, और मैंने भी अपनी तरफ से जान आन बान शान सब डालने की कोशिश करी। आज हम ये टाइम नहीं है गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं अमन भाई की वॉइस में, बिल्कुल, और बस अभी आधे घंटे में हंगामा हो जाएगा। थैंक यू सो मच।
हूँ।